बीते दिन शाम को लगातार पानी बरसने से हुडको में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में सब्जियां आदि बेचने आए फुटकर व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पूरा साप्ताहिक बाजार पानी से लबालब हो चुका था, जिसकी वजह से ग्राहक भी सब्जी मंडी में आने से बचते रहे। इससे सब्जियां लेकर पहुंचे दुकानदारों को ग्राहकों के नहीं आने से नुकसान उठाना पड़ा। बरसात के दिनों में शहर में विभिन्न स्थानों पर लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में आए फुटकर व्यापारियों को वर्षों से परेशान होना पड़ रहा है। बाजार लगने वाले स्थानों में पानी भर जाने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित होती है, जिसका मुख्य कारण पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होना है। मंगलवार शाम को निरंतर हुई बरसात के कारण हुडको में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में आए फुटकर व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पूरे बाजार परिसर में पानी भर चुका था। दुकानदार पानी में अपनी सब्जियों को बचाने में लगे हुए थे। वहीं बाजार में पानी भर जाने की वजह से खरीदारी करने ग्राहक भी काफी कम संख्या में पहुंचे। हुडको में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। पानी भर जाने से सब्जियां तो खराब हुई, साथ ही फुटकर व्यापारियों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। अब ऐसी समस्या से इन्हें पूरी बरसात भर जूझना पड़ेगा। आकाश गंगा फुटकर व्यवसायी कल्याण समिति के सचिव प्रमोद साव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि निगम रिसाली को इन समस्याओं से कई बार अवगत कराया गया और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी यह बात बताई गई है, बावजूद इसके इनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। देखिए, रुआ बांदा मार्केट की कुछ परेशानियां तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा अभी हुडको 32 बंगला के पीछे जो मार्केट है, हम लोग पिछले 5-6 सालों से इस चीज़ को देखते हैं कि थोड़ा सा भी बारिश होता है तो हम लोगों का सब्जी बह जाता है ना। पानी की निकासी है, अभी वहाँ पर बाउंड्री वॉल कर दिया गया है, जिससे और भी पानी का निकासी नहीं है। हम लोगों का ग्राउंड एकदम नीचे हो गया है और थोड़ा सा भी बारिश कल हुआ उसमें लाखों रुपए की सब्जी बह गया। जैसे अब टमाटर 120 रुपए है, 100 रुपए, 2400, 2500 रुपए का बहुत सारे लोगों का टमाटर बह गया। अब गंदे पानी में टमाटर आने के बाद वो सड़ जाता है। कोई भी हरा सब्जी ताज़ा लेके जाते हैं जो, वहाँ पे अगर बारिश में भीग गया, बह गया तो वो सड़ जाता है। इस हिसाब से कल रात को जो बारिश हुआ उसमें हम लोग देखे कि लाखों रुपये का नुकसान हुआ। ऐसे भी सब्ज़ी बहुत महंगी है और उस सब्जी को हम लोगों को आज सुबह फेंकना पड़ा। और हमारे साप्ताहिक बाज़ार वाले बहुत त्रासित हैं इस बात से लिए कि वहाँ पे कई बार हम लोग निगम भी कंप्लेन किए, पार्षद महोदय को भी हम लोग जानकारी दिए, यहाँ तक कि हम लोग विधायक महोदय के पास भी गए कि हमारी कुछ समस्याएं हैं। गेट वहाँ पे खुला नहीं है, 3-4 गेट लगा है, 2-3 गेट बंद कर दिया जाता है। कल को एक अनहोनी घटना घट गया अगर तो कोई जानवर ही घुस गया और उसमें कोई भगदड़ मच गया तो कौन जिम्मेदार होगा? गेट नहीं खोला जाता है, हम लोगों के सब्जी लाने ले जाने में दिक्कत है, बाहर से पूरा टमाटर ढो सब करो। पहले गेट ओपन ग्राउंड था तो आदमी कहीं से भी गाड़ी घुसा लेता था, आने जाने का रास्ता रहता था। अब पब्लिक भी परेशान है, इसलिए व्यापार पे भी बहुत सारा प्रभाव पड़ा है इस चीज़ के। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि निगम प्रशासन जो है, एक तो मंदिर के सामने गेट है उसको खोले, ये जो ग्राउंड है एक आध दो गेट और दे उसमें, और हमारे जो ग्राउंड है वो नीचे लेवल पे है उसको ऊँचा किया जाए, लेबलिंग करके उसको किया जाए, जिससे कि पानी का, और पानी का निकासी बहुत ज़रूरी है। पानी का निकासी हो जाए तो कितना भी बारिश होगा तो पानी निकल जाएगा, तो हम लोग कम से कम सुरक्षित बचे रहेंगे। ये पहले मैदान खुला था, इसमें हम लोग बाजार लगाते थे, पहले पानी निकल जाता था। अभी स्टेडियम बना के चारों तरफ से बाउंड्री कर दिए, इस बाउंड्री करने के बाद पानी का निकास नहीं है, इसलिए पानी भरा हुआ है और लाखों रुपए की सब्जी हम लोग के नुकसान हुए। विधायक महोदय के पास 4 दफे गए, एक काम हमारा नहीं करते हैं। वो बोलते हैं सीजू एंथोनी के पास जाओ, पार्षद के पास जाओ, पार्षद के पास गए, पार्षद कुछ आते ही नहीं देखने के लिए। गेट बंद है, 4 गेट खुलवा दिए, लगा दिए, उसमें से एक गेट मेन गेट को बंद करके रखे हैं, व्यापार नहीं होता है। बरसात में साप्ताहिक बाजारों में पानी भरने की समस्या से निजात दिलाने रिसाली निगम प्रशासन को तत्काल कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, ताकि साप्ताहिक बाजारों में खरीदी करने आए ग्राहकों और फुटकर व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए रिसाली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।